नमस्कार, मैं हूँ निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे वेज मेयोनीज सैंडविच। फटाफट बन जाती है। इसे हम तीन तरह से बनाएंगे। आप बनाइए और बताइए आपको कौन सी सैंडविच अच्छी लगी। तो शुरू करते हैं बनाना। हमने ये कुछ सब्जियाँ ली हैं जिन्हें छील कर धोकर सुखा कर ले लिया है। येलो कैप्सिकम, रेड कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, टमाटर, गाजर और खीरा। सबसे पहले ग्रीन कैप्सिकम, इन्हें एकदम बारीक काट लेते हैं। तो ये लगभग हमने 3/4 कैप्सिकम काट ली। अब रेड कैप्सिकम, ये रेड कैप्सिकम भी हमने 3/4 ली है। और अब येलो कैप्सिकम। हमने ये तीन तरह के कैप्सिकम लिए हैं। आप चाहे तो सिर्फ ग्रीन ले सकते हैं या ये तीनों ले सकते हैं। एक टमाटर, तो इसके बीज छोड़ते हुए इसे काटेंगे, बीज हटा देंगे, बीज हमें नहीं चाहिए। ये टमाटर। अब खीरे की बारी। अब इसके पतले पतले स्लाइस बनाते हैं। और अब ये गाजर। गाजर को काटते नहीं है, इसे ग्रेट कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है। ग्रेट करके बिल्कुल बारीक हो जाती है और ज़्यादा अच्छी लगती है। ये सारी सब्जियाँ कट के तैयार हो गई। अब इसमें थोड़े से मसाले मिलाते हैं। 1/2 छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार, 1/4 छोटी चम्मच क्रस्ट काली मिर्च, 1/4 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई और 2 टेबल स्पून हरा धनिया और ये मेयोनीज लगभग 5 टेबल स्पून। अच्छी तरह से मिला लिया। ये हो गई स्टफिंग तैयार। सबसे पहले कूल सैंडविच बनाते हैं। ये ब्रेड की स्लाइस ले ली और इसके किनारे काट दिए। और इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा बटर। इस स्लाइस के ऊपर भी लगा लेते हैं। और अब इसके ऊपर थोड़ी सी स्टफिंग रखेंगे। थोड़ा सा हाथ से प्रेस कर दीजिए। इसी तरीके से दूसरी भी तैयार कर लेते हैं। बीच में से एक कट। ये कूल वेज मेयोनीज सैंडविच तैयार। अब बनाते हैं ग्रिल्ड सैंडविच। तो ये स्लाइस ले ली और इसके ऊपर थोड़ा सा बटर। दूसरी स्लाइस पर भी और थोड़ी सी स्टफिंग। इसको एक जैसा कर दिया और ये दूसरी स्लाइस इसके ऊपर। एक और तैयार कर लेते हैं इसी तरीके से। इसको बनाते हैं चटनी वाला। इसके ऊपर थोड़ी सी चटनी डालते हैं, जस्ट 1/2 चम्मच, और चारों ओर एक जैसा फैला देते हैं। तो ये थोड़ी सी अलग टेस्ट में बनेगी। अगर चटनी नहीं पसंद करते, टमाटो सॉस पसंद करते हैं तो टमाटो सॉस लगा सकते हैं। और इसके ऊपर स्टफिंग, ये स्लाइस ऊपर से। अब इन्हें ग्रिल करते हैं और इन्हें ग्रिलर में रख देते हैं और अब बंद कर देते हैं। लॉक नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर मोटी सी स्टफिंग है, वो बाहर आ जाएगी। और अब इसको सिकने देते हैं। 3 मिनट के बाद इसे चेक करते हैं। और देखिए कितनी ब्राउन और अच्छी सिककर तैयार हो गई। ये ग्रिल्ड सैंडविच तैयार हो गई। अगर हमारे पास ग्रिलर नहीं है, सैंडविच मेकर नहीं है, तब हम इन्हें तवे पर फटाफट बना लेते हैं। तो ये लिए हमने 2 स्लाइस। इनके ऊपर थोड़ी सी चटनी लगा रहे हैं और ये स्टफिंग।
इन्हें हम तवे पर सेक रहे हैं तो बटर ऊपर से लगा देंगे, और जब ग्रिल किया था तो बटर हमने इनके अंदर डाला था। तवा गरम है, अब इन्हें सेकने के लिए लगा देते हैं, और इस साइड भी बटर लगा देंगे। इसे लो मीडियम फ्लेम पर सेक रहे हैं हम। 2 मिनट सेक गया, अब पलटते हैं, और ये देखिए कितनी अच्छी ब्राउन सिक गई। ये वाली भी पलट लेते हैं। इन्हें हमने दूसरी साइड भी 2 मिनट सेक लिया है, अच्छे ब्राउन हो गए उधर से भी। कितने अच्छे सैंडविच सिक कर तैयार हुए हैं। तो ये तवे वाले सैंडविच तैयार हो गए, ये कूल सैंडविच, ये ग्रिल्ड सैंडविच, और ये तवे पर बने हुए सैंडविच। तीनों तरह की वेज मेयोनीज सैंडविच बनकर तैयार हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस सब्जियों को थोड़ा सा बारीक काट लें, और सेकते समय ध्यान रखें कि जल्दी नहीं चाहिए। आप बहुत अच्छी वेज मेयोनीज सैंडविच बनाकर तैयार करेंगे। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए, और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।